नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल। लखनऊ के थाना मड़ियाव में पीड़ित महिला का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां पर पीड़िता ने आरोपियों पर कार्रवाई ना करने का आरोप लगाया। पीड़िता के मुताबिक 19 जुलाई को FIR दर्ज होने के बाद भी अब तक किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है और उसे बराबर धमकियां मिल रही हैं। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि FIR दर्ज की गई है जबकि 9 लोग नामजद हैं। इसके साथ ही पीड़िता को आरोपियों द्वारा लगातार धमकाया जा रहा है। लखनऊ पुलिस भी सुलह करने का दबाव बना रही है, जिससे परेशान होकर पीड़िता ने कई बार खुदकुशी करने की भी कोशिश की। पीड़िता और उसके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। न्याय की उम्मीद में आस लगाए बैठे पीड़िता और उसका परिवार, लेकिन अब तक कोई भी न्याय इन्हें नहीं मिल पाया है। सात को पीड़िता मेरे समक्ष प्रस्तुत हुई थी। उसने एक तहरीर दिया था जिसमें बताया गया था कि उसे ब्लैकमेल किया गया और उसके शारीरिक शोषण किया गया और फिर उसके बाद उसका गर्भपात कराया गया। इसमें एक सत्यम शुक्ला नाम का एक व्यक्ति था जिसके विरुद्ध इसने एप्लीकेशन दिया था। उसके साथ साथ उसके कुछ फ्रेंड्स भी थे, उसके दोस्त थे, उसके परिवारजन थे। सुसंगत धाराओं में मेरे द्वारा आदेश दिया गया, सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुआ है। पुलिस अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। क्या अब तक कोई गिरफ्तार हुआ, कोई पूछताछ कर रहा है? गिरफ्तार नहीं किया गया है, उल्टा मुझे आरोपी कहा जा रहा है, मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है। कौन बना रहा दबाव पर? मड़ियाव थाने के दरोगा और SHO। दरोगा का नाम? दरोगा मोनू कुमार है। SHO कौन? अनिल कुमार सिंह। ये क्यों तुम पर दबाव बना रहे हैं? ये कह रहे हैं मैंने केस किया है तो बोल रहे हैं कि अपना केस वापस लो। किस लिए? कह रहे हैं कि तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी इसमें। हमारी लड़की को बार बार कहती है जान दे देंगे सर, हम बहुत उसको समझाते हैं मगर रोज कहती है हम मर जाएंगे, अब हम नहीं जिएंगे। हम बहुत समझाते हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं सर, जल्दी जल्दी कुछ कीजिए, हमारी लड़की बहुत परेशान है, जान दे देगी तो हम क्या करेंगे सर। अरे शिकायत मुख्यमंत्री तक की गई, नहीं उसका कोई हाँ वो नहीं मिला। बयान इसके लिए गए? हाँ बयान लिए गए सर, अलीगढ़ में हुआ कोर्ट में, मजिस्ट्रेट से अभी नहीं हुआ। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी दानिश मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दानिश, ये पूरा मामला कब का है? गंभीर आरोप यहाँ पर पीड़िता लगा रही है, दारोगा पर भी आरोप लगाया है, इंस्पेक्टर पर भी आरोप लगाया है। इसके अलावा ये भी कहना है कि FIR दर्ज हो चुकी है लेकिन उसके बावजूद भी उस पर दबाव बनाया जा रहा है कि सुलह कर लिया जाए। देखिए बिल्कुल बता दूं आपको कि ये 19 तारीख का मामला है, 19 जुलाई का, और इस पे मड़ियाव थाने में FIR दर्ज हुई है जिसमें 9 लोगों पर FIR हुई है और इसमें मुख्य आरोपी जो है वो सत्यम शुक्ला, उस पर पीड़िता ने आरोप लगाया है। उसका ये कहना है कि ब्लैकमेल करके पहले वीडियो बनाए गए और उसके बाद उसका शारीरिक शोषण हुआ, जिसके बाद उसके कुछ पैसे वगैरह भी ATM वगैरह से निकाले गए और उसे लगातार इस बात को लेकर के धमकाया जा रहा था गलत काम करने के लिए, जिसके संबंध में उसने मड़ियाव थाने में FIR दर्ज कराई है। हालांकि पीड़िता का ये कहना है कि पहले वो राम राम बैंक चौकी गई और वहां पर कोई मोनू कुमार SI से मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि ये केस मड़ियाव थाने में ट्रांसफर किया जाएगा, तो वहां पर पीड़िता ने मड़ियाव थाने में FIR दर्ज की जिसमें FIR में आरोपियों का भी नाम है और आप देख सकते हैं कि FIR के जो प्रार्थना पत्र है उस प्रार्थना पत्र में SI कोई मोनू कुमार दरोगा है उनका भी नाम उसमें शामिल किया गया। हालांकि ये तो जांच का विषय है, ये तो पुलिस की जांच में पता चलेगा, इन्वेस्टिगेशन में क्या सच्चाई है और इसमें आरोप कितने जहां तक सही है। अभी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है इस मामले में, जो DCP है यानी कि जो सैयद कासिम साहब, उनका ये कहना है कि मामले की जांच चल रही है, पीड़िता मेरे पास आई थी, मेरे आदेश पर FIR दर्ज हुई है और मैंने इसकी FIR दर्ज कराई, फिलहाल इसकी जांच चल रही है और इसमें हमने SP स्तर तक रैंक के अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं। हालांकि परिवार वालों का ये कहना है कि उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है और जब उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इस मामले में उन्होंने मुख्यमंत्री से भी शिकायत की है और तमाम आला अधिकारियों से भी शिकायत की है, यहाँ तक कि महिला आयोग भी उन्होंने पत्र भेजा है, लेकिन पीड़ित उसके परिवार वालों का ये कहना है कि उन्हें उनकी सुनवाई नहीं हो रही हो, उनकी इस बात पे सम्मान के साथ साथ उनका इस के चक्कर में एक निंदनीय बात यह है कि उनको बेहद अफसोस है इस बात का कि न्याय नहीं मिल पाएगा, तो उनकी शायद जो बेटी है उसके साथ कुछ भी बार बार, जैसा कि हमने सुना जो पीड़िता की माँ है वो ये कह रही है कि पीड़िता लगातार खुदकुशी करने की कोशिश कर रही है और इसके अलावा डरे सहमा पूरा परिवार है, बार बार धमकियां मिल रही है, इसके अलावा इतने दिनों से सुनवाई नहीं हुई है। पुलिस प्रशासन क्या कुछ कह रहा है, क्या आपकी बातचीत हो पाई है उनसे?
देखिए पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि हालांकि इसमें FIR दर्ज है तो कहीं ना कहीं मामला पुलिस के संज्ञान में है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन शायद कर रही है। और DCP ने जो बयान दिया है उससे भी कहीं ना कहीं साफ लग रहा है कि उनके निर्देशों पर FIR दर्ज हुई, तो यानी कहीं ना कहीं पुलिस और DCP अपना काम कर रहे हैं और इसकी जांच भी ACP रैंक के अधिकारी को सौंपी गई है। तो इन्वेस्टिगेशन में कुछ समय लगता है, लेकिन जो पीड़िता के आरोप हैं वो कितने सही हैं ये तो प्रशासन बताएगा और पुलिस अधिकारी बताएंगे। हालांकि उनके मामला संज्ञान में पहुंचा है, उन्होंने अपनी सफाई देव का यह कहना है कि पीड़ित और उसके परिवार वाले मेरे पास आए थे और मेरे ही आदेश पर FIR दर्ज हुई है और ये थाने से नहीं बल्कि ACP रैंक के अधिकारी इसकी जाँच कर रहे हैं। अभी जब तक जाँच नहीं सामने आएगी तब तक कुछ कहना पॉसिबल नहीं है। हालांकि मामला उनके संज्ञान में पहुंचा है और उस पर FIR दर्ज है। पीड़िता और उसके परिवार वालों का ये कहना है कि उन्हें बराबर धमकाया जा रहा है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है और अब तक इसमें कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। ये आरोप पीड़िता ने प्रशासन पुलिस पर लगाया, जिसमें कोई SI दरोगा मोनू कुमार सिंह का भी FIR के प्रार्थना पत्र में नाम शामिल है। हालांकि FIR में और जांच में कौन कौन इसमें शामिल पाया जाएगा, कौन कौन की संलिप्तता नहीं पाई जाएगी, कौन कौन FIR में सच माना जाएगा, कौन कौन के FIR में संलिप्तता नहीं मानी जाएगी, ये तो इन्वेस्टिगेशन का मामला है। लेकिन पीड़िता और उसके परिवार वालों का जो आरोप है वो कहीं ना कहीं ये साबित कर रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस के जो प्रशासन का रवैया है वो इसमें कहीं जरूर ढुलमुल सा है। बिल्कुल दानिश, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो पूरा मामला जहां पर बताया जा रहा है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि अश्लील वीडियो बनाया गया है पीड़िता का और उसे लगातार ब्लैकमेल किया गया, गैंगरेप की बात भी यहाँ सामने आ रही है। जो मुख्य आरोपी हैं वो अब तक गिरफ्तार नहीं किए गए हैं, पुलिस पर भी परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन अभी जांच जारी है। जांच के बाद साफ हो पाएगा कि जो आरोप यहाँ लगाए जा रहे हैं वो कितने सही हैं। फिलहाल फिर इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।